अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है अब आपको? हेलो, बेटा अपना माइक भी चेक कर लो आप, आपका माइक ऑन है? क्योंकि मुझे भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है क्लियर? ओके। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड आपको मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिक हम करते हैं वो उसकी प्रैक्टिस फिर से करेंगे, देखेंगे उसको, और यही टॉपिक आज कवर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आज टेक्निक से करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको एलिमेंट्स दिए थे वो हो गए सारे, आपने कर लिए थे? क्लियर है जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो? क्लियर है? मैंने बेसिक वाली नहीं की, मैंने एसपीडीएफ वाली ठीक है, तो SPDF वाली हो गई थी, क्लियर है वो? मार्क। ठीक है, तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे, और उसमें भी SPDF में भी जो ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर हैविंग लार्जर और ग्रेटर एटॉमिक नंबर उसको कवर करेंगे। ठीक है, और उसमें भी मज़ीद जो है वो दो और चीज़ें, दो तीन और टॉपिक हैं जो मैं आज कवर करवाऊँगी आपको। ठीक है, वेट अ सेकेंड। अच्छा, हमने जो किया था कवर वो सारी चीज़ें कर ली थी। रिव्यू किया है बेटा आपने? अब तक कोई क्वेरी है? क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में जाना पड़ रहा है, बिकॉज अब जब ऑब्वियसली इतना बड़ा आपका सिलेबस है, तो अभी तक कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है जितना आपने रिव्यू किया हो? अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा ये जो टेबल था ये समरी थी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई थी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ से मुझे बताना था, लेकिन ये बताने से पहले आप एक, सॉरी व्हाट? ओके, आई कैन जूम इन, कैन यू सी देम राइट नाउ? ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम गोना जूम इन। ठीक है, अच्छा जी, सो दीज वर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करवाऊंगी आपको आज। ठीक है, तो जस्ट लेटिंग यू नो द स्लाइड्स विच वी आर कवरिंग इन टुडेज़ क्लास। ठीक है, एक तो हम ये करेंगे, और फिर थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन होगी, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की। ठीक है, ये चीज़ें होंगी, देन वी हैव सब शेल्स, देन वी हैव अगेन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये कुछ थियोरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से और हो सकती है वो बताऊंगी। ठीक है, तो अप टिल यहाँ तक इंशाल्लाह हम आज करेंगे कवर। आई एम शेयरिंग द वाइट बोर्ड जिस पे हम, अच्छा भाई जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसके अंदर, लेट से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर इज़ 35, और अगर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जो हम कर रहे होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम शेल के अकॉर्डिंग। अच्छा, टर्म्स को थोड़ा सा आप रिव्यू करो और जहन में रखो, प्रिंसिपल क्वांटम शेल का मतलब है एन एन 1 था, 2 था, ठीक है, 3 था, 4 था, यानी बेसिक जो आपके मेन शेल्स थे वो क्या थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह हम पढ़ते थे। ये आपके मेन शेल्स कहलाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम शेल। ठीक है, फिर हर शेल के सब शेल थे SPDF के अकॉर्डिंग। अब आपको याद होगा कि फर्स्ट शेल में, यानी फर्स्ट शेल में हमने 2n² अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ 2n² वी कैन ओनली प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल। ठीक है, एंड इफ़ यू आर प्लेसिंग
टू इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, तो ऑब्वियसली वन के साथ सिर्फ एस लिख रहे थे हम, बिकॉज एस इज़ द स्फेरिकल शेल, राइट? एंड स्फेरिकल शेल का मतलब था कि हम फर्स्ट शेल स्फेरिकल ले रहे थे और नंबर उसको वन दे रहे थे और मल्टीप्लाई बाई टू कर रहे थे. टू क्यों? क्योंकि टू इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्लेस्ड. ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑब्वियसली टू. तो दो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट शेल इज़ ओनली डिवाइडिंग इंटू वन सब शेल विच इज़ एस, राइट? फिर हम सेकेंड पे आ जाते हैं, तो सेकेंड के अंदर आपको याद होगा कि हमने टू एन स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आया था हमारे पास, एट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन द सेकेंड शेल एंड दीज एट इलेक्ट्रॉन्स कैन फर्दर बी फिल्ड इन टू सब शेल्स एस एंड पी, यानी टू एस विच इज़ गोइंग टू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यहाँ पे भी टू हैं एंड देन वी हैव सेकेंड शेल में ही पी, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? सिक्स. ये हमें कैसे पता चला था? बिकॉज ऑब्वियसली हम एस को वन बोल रहे हैं तो हम पी को जो है वो थ्री बोल रहे हैं. थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल्स टू सिक्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सिक्स विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी प्लेस्ड इन पी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल. दैट मीन्स जो आपका मेन शेल है वो ये है, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम शेल कह रहे हैं. सब शेल इज़ एस एंड दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से अभी हम करेंगे. तो अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं, कैन यू सी द स्क्रीन क्लियरली राइट नाउ? ओके, तो ब्रोमीन की बात करते हैं, तो अगर हम इस तरीके से करें तो ऑब्वियसली आपके पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, फिर एट इलेक्ट्रॉन, देन वी हैव अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. ठीक है, तो टू और एट 10 हो गए एंड देन 28, और लास्ट शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ठीक है, तो ये तो एक तरीके का ये हो गया, एक टेक्निक ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. द नेक्स्ट वन इज़, जो आपको ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस की होगी, 1s2 2s2 देन वी हैव 2p6, राइट? 3s और 3p. अब जो समझाना है पॉइंट, वो ये समझाना है कि 3s और 3p के बाद वी कैन नॉट प्लेस 3d. नो, 3d हम नहीं रख सकते यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 4s. Why? Because what is the difference between S and P? The energy orbitals we are talking about right now, they are basically arranging in the higher energy pattern. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियस की बात करती हूँ, दिस इज़ द न्यूक्लियस, राइट? तो जो फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के बाद, दिस वन इट इज़ हैविंग द लोएस्ट एनर्जी, और ये ग्राउंड स्टेट भी कहलाती है. एंड देन गोइंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, द एनर्जी इज़ बीइंग इंक्रीज्ड. तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो ये लास्ट शेल कहलाएगा. ठीक है, हायर कहलाएगा ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल, राइट? तो अगर हम 3s और 3p के बाद 3d रख देते हैं, तो क्यों हम 3d नहीं रख सकते? बिकॉज d इज़ हैविंग द हायर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू p, क्योंकि spdf में हमने पढ़ा था कि f इज़ हैविंग द हायर ऑर्बिटल एनर्जी एंड ऑब्वियसली s इज़ हैविंग द लेस वन. तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन्स को जो प्लेस करना है, तो वी आर placing the electrons in the order of higher energy orbitals from the lower, right? First one is S, फिर P, फिर D आएगा, फिर F आएगा. तो according to the higher energy orbital हम electrons को place करते हैं. तो हम 3p के बाद कभी भी 3d नहीं रखेंगे, because D is having the higher energy as compared to S. So first we have to fill the S subshell. तो हम 3p के बाद 4s रखेंगे and then we are having 3d. ठीक है, और यहीं तक ही आपको याद रखना होता है. तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि 1s2, 2s2, 2p6. क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली वी आर ओनली कंसिडरिंग s सब शेल. देन वी हैव सेकेंड सब शेल, सेकेंड शेल विच इज़ हैविंग टू सब शेल्स, राइट? बिकॉज सेकेंड शेल कैन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो s के पास 2 आ गए, p के पास 6 आ गए. देन वी हैव 3s. अब आपको याद है थर्ड शेल में 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग वी कैन पुट 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3s2, 3p6, और उसके बाद डी नहीं बल्कि 4s2 पहले फिल होगा. ठीक है, और देन वी हैव जितने भी हम अगर ब्रोमीन की बात करते हैं, तो 2 और 2 4 एंड देन 10 वी हैव 12 18 20 20 के बाद डी में हम कितने पुट कर सकते हैं? 10. तो 10 हमने यहाँ पुट कर दिया, राइट? फिर आगे आपके पास आ गया 3d के बाद अगेन 4p, राइट? तो 4p में आपने क्या लिख दिया भाई? 4p में 6 आ सकते हैं. आपने 6 की जगह 5 लिखा, क्योंकि 5 ही बचे हैं आपके पास. ठीक है, कहने का मकसद ये है, अब मैं इसकी मज़ीद आपको एग्जांपल मज़ीद सॉल्व करवाऊँगी, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग फ्रॉम दी हायर टू दी सॉरी टू फ्रॉम दी लोअर टू दी हायर एनर्जी ऑर्बिटल. सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट प्लेस 3d आफ्टर 3p. 3p के बाद हम 4s करते हैं. तो एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम की, और ये आप साथ साथ सॉल्व करो.
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ कैल्शियम। फर्स्ट वन कैल्शियम है, 1s2। हाउ मैनी ऑफ देम हैव यू कवर्ड अप टिल नाउ? ओके, सो एक्चुअली व्हाट डू वी हैव टू डू राइट नाउ इज़ टू कवर 1 till 7a, राइट? सो वट एवर द एलिमेंट्स आर लेफ्ट इन 1 till 7a ग्रुप, स्टार्टिंग 3 or 4 एलिमेंट्स, दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू कवर राइट नाउ। सो लेट मी नो विच वन वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट। जो आपने कर लिया है उसको हटा के मुझे बताओ ज़रा जल्दी से कोई एक। ओके, ऑलराइट, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एटलीस्ट वी आर गोना कवर 5 ऑफ देम। ओके, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लोरीन। ठीक है, पहले तो आप सबसे पहले काम कर लोगे भाई, आप 1s 2s 3s 3s 3p 4s। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 4s और 3d तक ही जा रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक ही आप मतलब ये जो आपने पैटर्न है ये याद करना है लाजमी। ठीक है, क्लोरीन पे आ जाते हैं। क्लोरीन इज़ हैविंग द एटॉमिक नंबर 17। सो द फर्स्ट शेल वी आर गोना पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली 2 यहाँ, 6 यहाँ, देन वी हैव 2, देन वी हैव 6। कितने हो गए भाई, 6 और 2 8 और 10 12 18, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे मुझे कितने रखने हैं, 6 7 8 9 10 11 12, एंड देन वी हैव 5। ठीक, यानी मुझे 4s की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप ये देखें कि आपके पास यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली हम इसको सम करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं थर्ड शेल की। तो इन द थर्ड शेल वी आर हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। That is the reason why chlorine has minus one valency, because 7 electrons means we gotta have 8 electrons for sure, right? To complete the octet. And instead of having 8, we are having 7. So one electron is going to be gained by chlorine. Obviously, instead of donating 7 electrons, chlorine is going to gain one electron, and that is the reason why it is having a negative charge, minus one. And chlorine is the most electronegative element. एंड ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू मेक अ बॉन्ड। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग भी थोड़ी सी कवर करवाऊँगी, बिकॉज आगे आपका टॉपिक आना है इसके बाद यही। क्लोराइड कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, इट इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट इज़ गोइंग टू ऑलवेज इट इज़ गोइंग टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। नॉट एग्जैक्टली ऑलवेज, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम, तो दैट इज़ अनदर केस कि भाई आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप क्लोरीन को, विच इज़ अ नॉन मेटल, we are going to combine chlorine or make bond ionic bond. Let's talk about the ionic bond first. तो अगर हम chlorine की बात करते हैं तो chlorine is obviously going to be bonded with metal, right? It could be sodium, it could be magnesium or any metal. ठीक, तो the bond is obviously ionic bond. तो ये बस थोड़ी थोड़ी definition में साथ साथ इसके बताऊँगी। तो NaCl is obviously having an ionic bond because sodium is positive plus one. एंड क्लोराइड आइन इज नेगेटिव। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं हम मैग्नीशियम पे। ओके, एटॉमिक नंबर इज 12। वी आर गोना प्लेस 2 here 6, 1s2 2s2 2p6 3s2 6 7 8 9 10 11 12, राइट? सो इन द लास्ट शेल, अब ऑब्वियसली लास्ट शेल का मतलब है थर्ड शेल, वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, द वैलेंसी वुड बी प्लस 2। वाई? बिकॉज मैग्नीशियम कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ ईजियर टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ऑब्वियसली प्लस 2 चार्ज आ गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मेटल, इट कैन ऑब्वियसली मेक अ बॉन्ड विद क्लोराइड आइन। एंड द फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला हियर। मैग्नीशियम इज हैविंग प्लस 2 चार्ज, क्लोराइड इज हैविंग माइनस 1 चार्ज। क्रॉस ओवर मैथड इज गोइंग टू अप्लाई हियर। ठीक है, क्रॉस ओवर का मतलब है कि प्लस 2, यहाँ जो 2 मौजूद है इट इज़ गोइंग टू बी प्लेसड हेयर विथ क्लोराइड आइन, और यहाँ जो 1 है इट इज़ गोइंग टू बी प्लेस हेयर। सो द फॉर्मूला वुड बी MgCl2।
ये बात आई है समझ? तो आपने पहले फॉर्मुलेशन की है, मतलब हाउ टू मेक अ फॉर्मूला, हाउ टू राइट अ फॉर्मूला, हैव यू डन दैट बिफोर? सॉरी आई कैन नॉट हेयर यू. ओके, हाउ मेनी चैप्टर्स हैव यू डन ऑलरेडी? ओके, सो इफ आई एम आस्किंग यू टू राइट फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, कैन यू डू देम? डू यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इट? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. एक्चुअली आई हैव टू कवर सम टॉपिक्स विच ऑब्वियसली विच आर कमिंग लेटर इन द चैप्टर्स, बट यहाँ इस वक्त ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक, राइट? सो आई एम गोना कवर देम एज वेल, एंड इट इंक्लूड्स द फॉर्मूला मेकिंग एज वेल एंड सम ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, राइट? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा, देयर इज़ अनदर मैथड ऑफ डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स अप्लाई इट टू कैल्शियम, ठीक है? ओके, कैल्शियम इज़ हैविंग 20 एटॉमिक नंबर. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऑब्वियसली 1s2, बट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू राइट 2p. इंस्टेड ऑफ 2p वी आर हैविंग 2px, 2py एंड 2pz. दैट इज़ अनदर मैथड ऑफ प्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन इन टू दियर रिस्पेक्टिव सब शेल्स. क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है? बिकॉज पी इज़ हैविंग अ डम्बल शेप. डम्बल शेप कहते हैं इस शेप को, ठीक है? बोथ यानी अगर हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड की बात करें तो दे आर हैविंग 3 एक्सेस. दैट मीन्स पी सब शेल जो है, इट इज़, इट डज एग्जिस्ट इन 3 एक्सेस, एक्स शेल, एक्स एक्सेस, वाई एंड ऑब्वियसली जेड, ठीक? इसकी डायग्राम भी है, मैं आपको स्लाइड पे भी शो कर दूंगी. तो अगर हम पी पे, पी सब शेल पे जो है वो हम प्लेस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो दैट वाज द वन मेथड विच वी ऑलरेडी डिड, कि 1s2 और 2p6, 2p2, सॉरी 2p6, और आगे जाके फिर इसी तरीके से हम कर रहे थे. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वन एस टू, टू एस टू, राइट? और अब हम 2p6 नहीं कर रहे, बल्कि हम 2px, 2py और 2pz को फिल करने जा रहे हैं. एंड ऑब्वियसली अगर हम ये देखें कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन वी कैन प्लेस हेयर, तो एक्स में दो आएंगे, वाई में दो आएंगे, जेड में दो आएंगे, लाजमी बात है, ठीक है? तो 1s2, 2s2 और 2p6 हम कैसे प्लेस कर रहे हैं? 2, 2 एंड 2, ठीक है? इस तरीके से, यानी जब जब जहाँ पे भी पी सब शेल आएगा, वी कैन ऑब्वियसली डिवाइड दैम इंटू 3 फर्दर सब शेल, समझ लो आप, या इसके एक्सेस हैं या इसकी कैटेगरीज हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. एक तरीका तो ये हो गया कि 1s2, 2s2. एस में नहीं हो रहा, स्फेरिकल शेप है, क्योंकि सिर्फ स्फेरिकल शेप का होता है एस, ठीक है? इसकी कोई एक्सिस नहीं है, इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं है, कोई इसकी मजीद जो है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. बट अगर हम पी सब शेल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 more axes. जब भी हम पढ़े होते हैं, कि हमने जब पढ़ा था पहले, कि हम हमेशा पी को जो है वो थर्ड शेल का नाम दे रहे थे, और हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे थे, और 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा था. ये जो 3 था, दैट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग द एक्सिस, राइट? तो एक तो तरीका ये भी हो गया क्या करने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिर एक और चीज़ है, वो क्या, सी वी हैव डिफरेंट थ्योरीज, राइट? एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू दोज थ्योरीज. सो इफ दे आर आस्किंग यू टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर थ्योरी, देन ऑब्वियसली यू हैव टू रिकॉल इट एज वेल. दे कैन ऑब्वियसली वी आर गोना डू द पास पेपर्स एज वेल, एंड विल सी वॉट दे आर आस्किंग. मेन थिंग इज टू लर्न दिस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? 1s2, 2s2, 2p6, दैट्स अ बिट ईजी. बट अगर हम अभी, मैं एक और आपको करवा रही हूँ, स्पिन थ्योरी, स्पिन रिपल्शन थ्योरी कहलाती है. तो अगर इफ़ दे आर बींग स्पेसिफिक कि भाई आपको इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही करनी है, तो ऑब्वियसली यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट. सो हम जब करेंगे पास पेपर अभी सॉल्व इंशाल्लाह ताला, तो हम देख लेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है. डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है? तो
तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस ये है कि आपको 2p को अब 6 यहाँ नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने 2px, 2py, 2pz में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसको देखेंगे पास पेपर्स के अकॉर्डिंग कि अगर हमें इस तरीके से करना है ज़रूरी तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ हम उसी पे स्टिक करेंगे जो हमारा बेसिक है। ओके, देन वी हैव स्पिन रिपल्शन थ्योरी। स्पिन रिपल्शन थ्योरी का मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू स्पिन देमसेल्स इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। फर्स्ट इज क्लॉक वाइज एंड द अदर वन इज एंटी क्लॉक वाइज, ठीक। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव एट देयर मेन पोजिशन एट देयर एक्सिस इन टू डायरेक्शंस, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज। इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है, और कुछ जगह पे ऐसे भी किया जाता है, राइट। तो दिस वन फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज द क्लॉक वाइज एंड दिस वन इज द एंटी क्लॉक वाइज। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं, लेट मी शेयर यू द स्लाइड एज वेल। अच्छा, ये शेप की बात कर रहे थे हम, जो पी ऑर्बिटल की मैंने बात की कि दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, राइट। और इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि द पी ऑर्बिटल्स आर डम्बल शेप, डम्बल शेप्ड होते हैं, ठीक है, डम्बल शेप को कहा जाता है। और अगर मैं एस की बात करूँ तो दे आर बेसिकली स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज शेल नंबर। जब हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली एस है सिर्फ, सेकेंड शेल में एस है, थ्री में भी एस है, थर्ड में भी एस है, बट दे आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। एग्जाम्पल, द एस ऑर्बिटल ऑफ द थर्ड क्वांटम शेल एन थ्री इज़ बिगर देन द एस ऑर्बिटल ऑफ द फर्स्ट क्वांटम शेल, ठीक। अच्छा, इससे पहले ये चीज़ हमने अभी कवर कर ली, ठीक है। वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, देन वी हैव थ्री एस एंड थ्री पी। ये जो सीक्वेंस है ये हर जगह यहीं पर रिपीटेड है चीज़ें। या आप थ्योरी अपने तौर पर भी पढ़ना, बुक से पढ़ो या स्लाइड से पढ़ो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि एवरी शेल हैज़ थ्री पी ऑर्बिटल एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन। द पी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एंड पॉइंट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ऑब्वियसली दिस आर द थ्योरी, दैट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। दिखा देती हूँ मैं आपको, ये हमने कवर कर लिया है। दैट वॉज द रोटेशन और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी विच वन स्पिन, सॉरी आई कैन नॉट हेयर यू क्लियरली, विच कॉन्फिग्रेशन आर यू टॉकिंग अबाउट, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, द बंडल वन। ओके, द बंडल वन इज सेम एज द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, लाइक दिस वन, दिस वन यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। ओके, द वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर, आर यू टॉकिंग अबाउट द 2px, 2py, या दैट मीन्स एक्सेस वन ना, राइट, विच वी आर हैविंग एक्सेस, px, py, pz। आई एम गोना डू दैट अगेन, वेट, आई एम लुकिंग फॉर द फॉर दिस स्लाइड। ओके, सी व्हाट वी हैव हियर, वन एस, नाउ वी आर नॉट राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन टर्म्स ऑफ नंबर, वी आर नॉट राइटिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर। वन एस टू नहीं लिखा मैंने, मैंने इसको स्पिन करके इस तरीके से शो करवाया। यानी अगर एस के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक क्लॉक वाइज होगा, एक एंटी क्लॉक वाइज होगा। दैट इज़ कॉल्ड द स्पिन रिपल्शन थ्योरी। इफ वी आर प्लेसिंग दैम इन द सिमिलर डायरेक्शन, ऑब्वियसली दे आर गोना रिपेल ईच अदर, तो दे वुड नॉट बी, दे वुड नॉट एग्जिस्ट इन द सिमिलर पोजिशन, दे वुड रिपेल ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको शो करेंगे स्पिन को, एंड दे आर ऑब्वियसली प्लेस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम गोज विद द 2s, एंड देन वी हैव 2p, ठीक है। 2p में अब आपने जो तीन आप ब्लॉक देख रही हो, दैट इज अगेन इंडिकेटिंग एक्स वाई एंड जेड एक्स, जेड एक्सिस, जो मैं अभी आपको दोबारा अभी करके दिखाऊंगी, ठीक है। 2p में अगेन दे कैन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, एक्स में दो हैं, वाई में दो हैं और जेड में दो हैं, बट विद द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द स्पिन रिपल्शन थ्योरी, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द स्पिन रिपल्शन थ्योरी। दैन वी हैव 3s, 3p,
दिस वन इज क्लियर और नॉट? ओके एंड अदर देन दिस दिस साइन द एरो साइन अदर देन दिस यू कैन मेक दिस साइन एज वेल. ठीक है, ये भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो. 2s 2p इट मस्ट बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट्स इट. ओके अबाउट द क्लोरीन, सॉरी कैल्शियम, इट वॉज 20. 1s2 ऑब्वियसली इट हैज़ नो एक्सेस, तो आप इसको ऐसे ही लेके चलोगे. देन 2s2 2p6 की जगह हम px रखेंगे, py देन 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच. राइट, हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? 2, 4, 6, 8, 10. आगे आ जाते हैं 3s, देन अगेन 3p आ रहा है, तो 3px, 3py एंड देन 3pz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड ऑब्वियसली 3d नहीं आ सकता. वी आर हैविंग 4s एंड द लास्ट शेल वुड बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन. व्हाट वुड बी द वैलेंसी अकॉर्डिंग टू इट? इन द फोर्थ शेल वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑब्वियसली कैल्शियम इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट शेल. सी इफ आई एम पुटिंग d ओवर हियर, सो द एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी याद है न्यूक्लियस के फौरन बाद जो शेल है आपके पास? हाँ, या लाइक इफ द शेल इज गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट इज हैविंग द मोस्ट ऑर्बिटल एनर्जी और द हायर एनर्जी ऑर्बिटल इट इज. राइट, डू यू रिमेंबर दैट? तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं p की, ठीक है, तो p के बाद ऑब्वियसली वी हैव टू फिल द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट. सो इंस्टेड ऑफ फिलिंग एस p, वी कैन नॉट डायरेक्टली स्विच टू d, राइट? d की जगह मैं यहाँ पे 4s लिखती हूँ. वाई? बिकॉज वी हैव टू फर्स्ट फिल द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स s एंड p. s दिस इज द ऑर्डर जो आपने यहाँ तक आपने जो मतलब अभी तक पढ़ा है, दिस इज़ द ओनली ऑर्डर जो आपने पीछे भी पढ़ा है. डजेंट मैटर अगर पी जो है वो डिवाइड हो रहा है पी एक्स पी वाई पी जेड में, ऑर्डर वुड बी द सेम. That's what I'm talking about right now. We are having 3p, 3s, 3p and then 4s. We cannot put 3d over here because of the reason that we cannot fill d orbital because it is having higher energy and exactly p is divided into 3 axis. That's it. That's the only difference between this one and the last we have done. Okay. So d orbital is having the higher energy, so we cannot just fill d orbital, and obviously electrons must be placed according to the higher energy orbitals. First we gotta fill the s orbital, and then we are having the p orbital, and then we are moving towards the d. तो पहले आप अच्छा याद भी आपको मैक्सिमम यहीं तक करनी होगी, ठीक है? 4s 3d, that's it. 3d तक ही आप अगर याद करिए तो इट्स फाइन, इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है. ठीक है बेटा, ये क्लियर है? Exactly. D is divided into 5 parts, yes. Because D is having 5 different geometrical shapes. And then obviously F पे अगर हम आते हैं तो it is having 7 different geometrical shapes. But वही बात है कि आप इतना electronic configuration में आप इतना आगे नहीं जाते, ज़रूरत नहीं पड़ती. We gotta remember till 4s or 3d. That's it. ठीक है? अच्छा. What we are talking about the spin repulsion theory. There is another way to do the electronic configuration जो मैंने भी आपको बताया. Let's take aluminium. It is having 13 atomic number, right? अब 1s की जगह I'm gonna write it like this, okay? 2 electrons यहाँ पे आते हैं, but instead of this मैंने इस तरीके से spin rotation में बनाया है इसको. Then we have 2s2, लेकिन मैं 2s2 नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ? मैं ये कर रही हूँ, ठीक. Then we have 2px, yz. तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करके पहले इस तरह फिल करना है आपको, यानी इन द सिमिलर डायरेक्शन
बट इन डिफरेंट सब शेल, एक ही सब शेल में सिमिलर डायरेक्शन में नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ द थ्योरी के दे वुड बी रिपेलिंग ईच अदर, राइट। तो क्या किया हमने, हमने पहले इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों सब शेल में, यानी एक्स में, एक्स में, वाई एंड देन जेड, और उसके बाद आपने इस तरीके से पुट कर दिया, ठीक है। तो दिस वन वाज 1s2, देन वी हैव 2s2, देन वी हैव 2px, 2py, 2pz, ठीक। देन वी हैव 3s, तो 3s इसी तरीके से बनेगा, देन 3p आएगा तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। इसी तरह से द चेन गोज ऑन। ये भी क्लियर है आपको? ओके, तो यू गॉट टू डू अगेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्पिन रिपल्शन थ्योरी एज वेल, एंड पीएक्स, पीवाई, पीजेड इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो वो आप प्रैक्टिस, दैट वुड बी योर होमवर्क अगेन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल फॉर्मुलेशन और मेकिंग द फॉर्मूला, बिकॉज इट्स नेसेसरी टू हैव द कॉन्सेप्ट हियर राइट नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्री रेडिकल, राइट। फ्री रेडिकल इज नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर अभी करवाऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे। ओके, लेट्स पिक एनी एलिमेंट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ मेटल्स, जस्ट पिक एनी अदर, एनी एलिमेंट, एनी अदर एलिमेंट। यू हैव द पीरियोडिक टेबल राइट नाउ विद यू? जस्ट ओके, वी हैव पोटेशियम, सेलेक्ट एनी ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर बेसिकली ऑन द राइट साइड, राइट। आपका जो 4A ग्रुप है विच इज़ अ कार्बन फैमिली, ऑनवर्ड्स 4A जितने भी आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, दे आर द नॉन मेटल्स। देन वी हैव मेटल्स इन द फर्स्ट 3 ग्रुप्स, 1A, 2A, 3A, एंड ऑब्वियसली वी हैव ट्रांजिशन मेटल्स, वो आप पीरियडिक टेबल क्लियरली अपने पास मैंशन भी कर लो, ठीक है। अच्छा जी, इन विच ग्रुप पोटेशियम इज़ प्रेजेंट? Yes, group 1A alkali metals. What is the group number representing, indicating? Valence shell or valence electron or valency? Which one? Valence electron. Okay, do you know the difference between valence electron and valency? Or maybe donated by that shell, right? It can be both, either gaining or losing electron, right? Okay, so the definition of valency is losing or gaining of electron. So what is this 1A representing? The valence electron and not the valency. Keep that in your mind always, ठीक है। ये confusion बहुत ज़्यादा, ये confusion हो रही होती है कि जो group number है, it is only indicating the valency, it's not true, ठीक है। valency हम खुद निकालते हैं, the group numbers are only indicating the valence electron. That means potassium is having 1 electron in its last shell, and obviously it is going to gain 7 electron or lose 1 electron. So plus 1 is the valency, right? What about chlorine? Yeah, so what would be the valency? It's in 7A group, right? So valency is -1. So the crossover method is here now. Aap sabse pehle, you gotta make the symbols, you gotta write the symbols. Symbols ke baad, you have to find out the valency, and then there is a crossover method. Sorry? They would cancel each other, and the formula would be KCl. Okay, what about aluminium? And let's say we have chloride. Can you make a formula? Oh, you have the periodic table, right? Just write down the symbols. Just write down the valency. Use the crossover method and tell me the formula.